नमस्कार, मैं श्वेता पाठक, कक्षा 11 की छात्रा, आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ संयुक्त परिवार एवं टूटते बिखरते रिश्ते पर भाषण देने के लिए। और आज हम इस भाषण के माध्यम से संयुक्त परिवार के बारे में जानेंगे। संयुक्त परिवार में जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची रहे, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और एकल परिवार, जिसमें मम्मी पापा भाई बहन रहे, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार के टूटने के अनेकों कारण हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं रोजगार के अतिरिक्त सदस्यों में मतभेद। और एकल परिवार के बढ़ने के कारण है स्वार्थ एवं कटुता। और पहले के ज़माने में जब हमारे पास फ़ोन नहीं होता था, तो हम अपने परेशानियाँ एवं अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, बांटते थे, एक दूसरे की समस्याओं को पूछते थे और अपनी विचारों एवं भावनाओं को दूसरे के साथ व्यक्त करते थे। और अब के ज़माने में सब लोग अपने फ़ोन पर इतने बिजी हो चुके हैं कि अपने परिवार से बहुत दूर हो गए हैं। इस परिस्थितियाँ में व्यक्ति इतना कमज़ोर पड़ गया है कि वह अपने परिवार का साथ छोड़ता जा रहा है। हमें अपने परिवार को जोड़े रखना है, हमें अपने परिवार की सहायता करनी है। जैसे एक पिता अपने घर की आधारशीलता को इतने चाव से चलाता है, लेकिन अब के ज़माने में उसकी दीवार इतनी कमज़ोर पड़ती जा रही है कि अब हम उसमें कितना भी सीमेंट डाल के जोड़े, वो जुड़ने का नाम नहीं लेता। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमें हुआ क्या है? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिवार की किसी भी परिस्थितियों में उनकी मदद करनी चाहिए, हमें उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। कोई भी परेशानी एवं कोई भी दिक्कत में हमें अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनके साथ हमें टाइम बिताना चाहिए, समय व्यतीत करना चाहिए, उनके परेशानियों को पूछना चाहिए। और टूट रहे परिवार, अनेक बदल रहे मतभेद प्यार जताते गैर से अपनों से हैं दूर अलगाव। हमें अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहिए, हमें अपने परिवार से जुड़े रहना चाहिए, हमें अपने परिवार से प्यार करना चाहिए। जैसे कि मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी आदि रिश्ते सुनने और बोलने में हमें बहुत